हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू वेडर भाव। हम लेके आए हैं आज आपके लिए न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई। रियलिटी में तो गेम धुल गया, लेकिन यहाँ पे कौन किसकी धुलाई करेगा, आइए देखते हैं इस हाइलाइट्स में। सो कीप वॉचिंग। गेंद, छोटी गेंद, थोड़ी बॉडी से बाहर थी। शिखर धवन ने बहुत ही प्यारा पुल किया है यहाँ पे चार रन के लिए। शुभमन गिल कवर्स की तरफ बॉल ढकेल दी है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ प्लेयर, चार रन। फिर छोटी गेंद, इस बारी शुभमन गिल ने फुल कंट्रोल में उसको पुल किया चार रन के लिए। और इसी के साथ इनकी भी होती है 50 रन की पार्टनरशिप पूरी। फिर पैरों के पास गेंद और बहुत ही प्यारा स्ट्रेट ड्राइव वहां शुभमन गिल की तरफ से। इंडिया कर रही है क्रूज 63 for 0। और शिखर धवन ने क्लासी शॉट खेला है, बहुत ही क्लासी शॉट, बॉडी लाइन बॉल और उसको धकेल दिया था चार रन के लिए। और फिर से एक और छोटी बॉल और ये रहा चार रन। फुल बॉल ड्राइव किया है उसको, एक रन वहां पे मिलेगा। और इसी के साथ शुभमन गिल के होते हैं 50 रन पूरे, बहुत ही प्यारी 50। फिर पैर के पास बॉल, आउट स्विंग हुई थोड़ी सी, लाइन मिस कर दी वहां पे शिखर धवन ने। और सीधा हुए बॉल बिल्कुल लाइन से चूके, वहां पे सेट लग रहे थे एक 50 के लिए, लेकिन बहुत ही प्यारी बॉलिंग वहां पे ब्रेसवेल की। और इंडिया को लगा पहला झटका। श्रेयस अय्यर से बहुत उम्मीद है इस सीरीज में। मंजिल करना चाहते थे, एज लगा सीधा कीपर के हाथ में, भारत को लगा दूसरा झटका बहुत ही कम समय में और एक विकेट गिरा भारत का। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इंडिया को, बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद दो क्विक विकेट्स और दोनों सेट प्लेयर आउट हो गए। शुभमन गिल 52, बहुत ही अच्छी इनिंग्स, ब्रेसवेल की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, सूर्य कुमार यादव, स्काई इज द लिमिट। मिचेल सैंटनर ड्राइव करना चाह रहे हैं, वहां पे छोटी गेंद दी, श्रेयस अय्यर बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए और मिचेल सैंटनर ने आते ही ली पहली विकेट अपनी। और ये इंडिया का लगा तीसरा विकेट ऋषभ पंत, इनको सेट होना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव ड्राइव किया, थोड़ा सा शफल किया आगे को और वहां बहुत ही प्यारा कवर ड्राइव, चार रन। छोटी गेंद, फुल कंट्रोल में पुल किया ऋषभ पंत ने, अग्रेसिव प्लेयर है, ऐसी बॉल मिलेगी तो मारेगा जरूर, चार रन के लिए। इस बारी फिर छोटी गेंद, कवर्स में ढकेलना चाहते थे उसको, इस बारी फिर एज लगा और आउट लग रहा है इंडिया। इस बार शॉर्ट बॉल खेल नहीं पा रही है और शॉर्ट बॉल की टैक्टिक्स यूज होते हुए यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से। चौथा झटका, दीपक हुड्डा पैर पे बॉल मत दीजिए इंडियन बैट्समैन के, चार रन। ड्राइव खेला है यहाँ पे, बहुत ही उम्दा फुटवर्क, बहुत ही प्यारा शॉट सिलेक्शन, चार रन। न्यूजीलैंड फील्डर थोड़े ढीले होते हुए। फिर छोटी गेंद, इस बारी फिर पुल करना चाहते थे ऋषभ पंत, कनेक्ट नहीं हुआ, ऊपर उठी लेकिन कीपर के पीछे से सेफ लैंड करेगी और इसी के साथ वो लोग अपने दो रन पूरे करेंगे। ड्राइव करने की कोशिश, लेंथ बॉल पे नहीं लगा शॉट, एज लगा और ये आउट। वॉशिंगटन सुंदर आते हुए, बहुत ही प्यारी ड्राइव की है वहाँ पे, चार रन नहीं जाएगा, दो रन जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा ड्राइव वहाँ पे, नहीं दो रन भी नहीं लिया, वापस भेज दिया वहाँ पे। पिछले गेंद फुल दिया, इस बारी उठा दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, लेकिन सीधा वहाँ फील्डर के हाथ में, बहुत ही खराब शॉट, बहुत ही खराब शॉट। भारत को लगा और एक झटका, दीपक चहरा बाकी है टेल, बस लास्ट बैट्समैन है वो भी। छोटी गेंद, इस बारी पुल किया दीपक चहर ने और ये गया चार रन, फील्डर वहां कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ चार रन। छोटी गेंद यहाँ पे पुश कर दिया है वहां पे मिड ऑफ पे, माफ कीजिएगा मिड ऑन पे, और इसी के साथ दो रन पूरे करते हुए ऋषभ पंत करते हैं अपनी 50 पूरी। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, अब यहां से इनिंग्स को कैरी करना होगा। बाहर की गेंद,
वही खेलना चाहते थे। मिचेल सैंटनर फिर से आए वापस अटैक में और फिर एक विकेट ले गए, और वो भी सबसे बड़ी विकेट ऋषभ पंत की। इंडिया की अब हो गई है टेल एक्सपोज। बहुत बाहर की गेंद थी, बिल्कुल मिस किया लाइन और सीधा एज दे बैठे कीपर को। एरो के पास गेंद, ढकेल दिया वहां पे। दो रन की कॉल की है दीपक चहर ने। लग नहीं रहा पहुंचेंगे, शायद पहुंचेंगे। और ये डायरेक्ट थ्रो, और ये डायरेक्ट थ्रो डीप से, यहां मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल बता नहीं सकते, देखना पड़ेगा थर्ड अंपायर क्या देता है। और ये आउट है, बहुत दूर है बैट, लेकिन बहुत करीबी मामला। कॉल नहीं होनी चाहिए थी दो रन के लिए, बहुत ही खराब इंडिया के लिए। दो बैक टू बैक विकेट्स यहां उठा दिया उमरान मलिक ने, उठा के सीधा छक्का जा रहा है। ये नहीं, दरवाजा मौजूद, बाउंड्री लाइन पे कैच, छक्का नहीं है, एम्पायर ने चेक कर लिया है और पैर जस्ट बाउंड्री के पीछे पड़ा। बहुत ही प्यारा शॉट वहां पे अर्शदीप सिंह, चार रन, व्हाट अ कवर ड्राइव। फिर वही गेंद, फिर वही शॉट, अर्शदीप सिंह चार रन। लगता है अग्रेसिव माइंडसेट से आए हैं, एक ही विकेट बचा है, खेलना जरूरी है अग्रेशन के साथ। इस बारी स्ट्रेट ड्राइव, बहुत प्यारा शॉट, चार रन। चहल, बहुत ही प्यारा कट, लगता है चहल भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हुआ चार रन। व्हाट अ शॉट चहल, बहुत ही प्यारा कट और चार रन। अरे कहां से आया चहल, आज क्या खा के आए किसी को पता नहीं। फिर से इस बारी फिर वही गेंद, थोड़ी सी पीछे रखी थी, पुश करना चाहते थे, एज लगा। और भारत की इनिंग्स होती है यहाँ पूरी, लास्ट विकेट पार्टनरशिप एटलीस्ट 40 रन की गई, बहुत ही बुंदा पार्टनरशिप, भारत को बहुत जरूरी थी ये पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड बैटिंग पे अपने वापस आते हुए, अर्शदीप सिंह पहला ओवर डालेंगे। अर्शदीप सिंह की पांचवी बॉल, अंदर आती हुई गेंद, एज लगा, लेकिन सेकेंड स्लिप के जस्ट शॉट गिरी आई थिंक, वहां अपील करने का कोई फायदा नहीं। दीपक चहर बाहर की बॉल ड्राइव करना चाहते थे, एज लगा, पॉइंट की तरफ से चौका। न्यूजीलैंड का पहला बाउंड्री, फिल एनल की पहली बाउंड्री। दीपक चहर इस बार आउट स्विंग, पूरी लाइन मिस करते हुए वहां पे। हरदीप सिंह आगे रखी बॉल, एज लगा वहां पे, श्रेयस अय्यर एंड, मुश्किल हो सकता है कैच, लेकिन बहुत ही आसानी से पकड़ लिया, बहुत ही उमदा कैच, इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है, रिप्ले में देखने से समझ में आ जाएगा सबको। देख सकते हैं ये बॉल बाहर की गई, एज लगा और वहां बहुत ही बढ़िया कैच। न्यूजीलैंड को लगा पहला झटका, फिन एलन आउट। अब आते हुए कप्तान केन विलियमसन, अर्शदीप की बॉल, फिर वही बाहर की तरफ ढकेल दिया है, एक रन का कॉल किया है, मुश्किल हो सकता है, वहां डायरेक्ट थ्रो लगना चाहिए हुड्डा का, और ये आउट, और ये आउट, बिल्कुल मिस जज कर दिया। हुडा ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करी वहां पे, केन विलियमसन पुश किया, एक रन का कॉल किया था, अगर कोई और होता तो रन बन सकता था। दीपक हुडा वहां मौजूद थे, तैनात थे, एकदम चतुराई से बॉल तेजी से पकड़ी और थ्रो किया और आउट। टैरल मिचेल, अर्शदीप सिंह इनसाइड इन स्विंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, आगे को रखेंगे बॉल, अंदर आई, टैरल मिचेल ने सीधा खेलने की कोशिश किया, ये एज लगा और सीधा विकेटों पे। ये दूसरी विकेट यहां पे अर्शदीप सिंह की, व्हाट एन ओवर, चार बॉल में तीन विकेट आते हुए। न्यूजीलैंड टू बैक तीन विकेट्स, बहुत मुश्किल में पड़ सकती है ये टीम। टॉम लेथम, अर्शदीप सिंह फिर आउटसाइड की बॉल, इस बारी पुश कर दिया, कंट्रोल में नहीं थे शॉट, हवा में गेंद, मलिक वहां मौजूद और किया है बहुत ही आसानी से ये कैच पूरा, और लगा न्यूजीलैंड को चौथा झटका। यहाँ अर्शदीप सिंह बिल्कुल फॉर्म में, बैटिंग से कमाल दिखाया और अब बॉल से अपनी जादूगरी दिखाते हुए। यहाँ पे न्यूजीलैंड हो गई है अब मुश्किलात में, फंस चुकी है। दीपक चहर अंदर को आती हुई गेंद, एज लगा वहां पे, बड़ी खराब फील्डिंग और चार रन। उमरान मलिक, एज लगा, अपील की है, मेरे को नहीं लगता कैरी हुआ है बॉल,
और अंपायर ने बिल्कुल नकार दिया उस अपील को। वॉशिंगटन सुंदर स्पिन के साथ एज, अंदर को आती हुई गेंद, लाइन मिस की फिलिप्स ने और लगा चौका। न्यूजीलैंड 57 for 4। इमरान मलिक शफल किया वहां पे, गेन फिलिप्स ने पैरों के पास गेंद, 4 रन। इमरान मलिक फिर से बॉल, इस बारी उठा दिया है, कैच हो सकता है, नहीं रन करने की कोशिश कर रहे। सूर्य कुमार वहां मौजूद है, डायरेक्ट थ्रो और लगता है ये आउट है, करीबी मामला हो सकता है। अंपायर ने दे दिया आउट, लेट्स सी रिप्ले में क्या दिखता है। और ये डायरेक्ट थ्रो बहुत ही दूर थे, रन नहीं था, पता नहीं क्यों रन लेना चाहते थे। इस बार ये उठा के खेला है सीधा कवर्स के ऊपर से, 4 रन के लिए ग्लेन फिलिप्स ने। वॉशिंगटन सुंदर अंदर की गेंद स्वीप किया है बहुत प्यारे तरीके से इसको मिचेल सैंटनर ने और गया 4 रन। चहल बहुत प्यारा कट शॉट खेला वहां पे मिचेल सैंटनर ने, व्हाट अ शॉट, 4 रन। चहल आगे बढ़े ग्लेन फिलिप्स, कदमों का इस्तेमाल, कवर्स के ऊपर से, माफ कीजिएगा पॉइंट के ऊपर से, 4 रन। दीपक हुडा कंप्लीटली मिचेल सैंटनर ने लाइन मिस करी यहां पे, ये खिलाड़ी इसीलिए लाया था, ये चेंज इसीलिए लाया गया था कि विकेट मिले और वहां दीपक हुडा ने सफलता दिलाई। दूसरी गेंद दीपक हुडा की और वांग पंत एकदम ही रिफ्लेक्स कैच, बहुत प्यारा कैच पकड़ा यहां पे। देखिए जैसे अंदर आई बॉल, मिस किया लाइन को, वो लाइन बनती नहीं थी वो शॉट खेलने के लिए और वहां पंत एकदम रेडी विकेट लेने के लिए। और इस बारी वॉशिंगटन सुंदर एज लगा सीधा कीपर के पास, न्यूजीलैंड के हाथ से गया ये मैच, बैक टू बैक फिर से 3 विकेटें। इस बारी स्वीप कर दिया है हुड्डा को मैट हेनरी ने, बहुत प्यारा स्वीप, 4 रन। फिर से दीपक हुड्डा अंदर की गेंद कंप्लीटली लाइन मिस करी, माफ कीजिएगा वॉशिंगटन सुंदर बहुत तेजी से बॉल अंदर डाला, लाइन मिस करी और ये हुआ बोल्ड। न्यूजीलैंड की तो अब कुछ ही विकेटें बची हैं, भारत यहां जीत महसूस करता हुआ। चहल बहुत ही प्यारा कवर ड्राइव खेला यहां पे मैट हेनरी ने, पूरे जोन में थी बॉल और गया 4 रन। उमरान मलिक अंदर की गेंद पैरों के पास, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से उसको खेल दिया है 4 रन के लिए। इमरान मलिक आउटस्विंग और ये इनसाइड एज और न्यूजीलैंड को की थी आखिरी विकेट, भारत ने जीत लिया ये मुकाबला 120 रन से। व्हाट अ मैच, व्हाट अ कमबैक, एक तरह से लग नहीं रहा था कि भारत ये गेम जीतेगा, लेकिन बॉलिंग यूनिट वहां काम करती हुई।